यादव मान केन्द्रापड़ा जिले में नहीं आज गोटे महासमावेश आयोजन करादव मान सामाजिक कथा अर्थनैतिक कथा हो यादव मान विकास कथा होतीपाई आज केन्द्रापड़ा जिला सारा यादव मान डक गोटे समावेश राज्य आमर उत्कल यादव महासभा सभापति आशीर्वाद बेहरा अच्छा आमर अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छा सपन घोष महोदय अच्छा आम मध्यप्रदेश एमपी अच्छा युव सभापति आमर राष्ट्रीय अच्छा प्रदीप बेहरा मध्य अच्छा सारा राज्य एवं देश कलिकतार सपन घोष आम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा यादव महासभा ना ओबीसी जो यादव मानक ओबीसी सेल जो काट दि जाए डिमांड रहा है यादव मैंने केमी ओबीसी से जोड़ी एवं यादव महिला मानक जो भाव में राजनैतिक क्षेत्र में हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में हूँ महिला मैंने आगे जापार ना सेमती आगू जी से आज आलोचना होती यादव मानक हक्र लड़े विशेषकर धर यादव मानक क्षीर कथा क्षीर रेट आम किणवु अधिका पैसा दे कि बिकला बेलू कम पैसा जातिभित्तिक जनगणना करमर जिले संख्या के आम केन्द्रापड़ा जिला सरी 3,33,000 भोटर केन्द्रापड़ा जिले में तेणु जातिर कथा आप बिहार देखु यूपी देखु हरियाणा देखु सब क्षेत्र में यादव मैंने आगे तेणु ओडिशा यादव मानक संख्या बहुत अधिक तेणु यादव मानक एकत्रित कर स्वार्थ कथा हूँ स्वाभिमान कथा बाकी अर्थनैतिक कथ हूँ सामाजिक कथ से यादव मानक आगे नापाई ये गोटे छोट प्रयास महासभा मध्यम विशेषकर महाकालपड़ा बेस कर कौन पाई जानू यादव मैंने ये संख्य आसुता देखी किसी लोक भयभीत अच्छा बेसिकाली महाकालपड़ा से कथा मुझेपरि जे लोक अटकाउं से बेस कहे सी कौन ये भयभीत साधारण लोकंर काम कले भयभीत हवा कथा नुह जो मैंने भयभीत अच्छा पचारे से बेस कहे यादव मैंने साधारण लोक से गोपालन कथा हो गाँव साधारण कथा यादव मानक आम जो परंपरा अच्छे लौड़ी खेल हूँ आप देखते सब बड़ पर्व हूँ यादव मानक गोटे पंचदोल धरी पाँच दिन सात दिन सारा ओडिशा रे देखिए मेरा ये मानना है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने देश को जिस परम वैभव पे पहुंचाना चाहते हैं या हर युवा की इच्छा है कि हमारा देश विश्वगुरु बने अगर हम अपने देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार जरूरी है और ये देखा गया है कि जो सभ्यता अपने संस्कारों से या अपने इतिहास से जुड़ी नहीं रही उसका अंत निश्चित है लेकिन जो लोग अपने संस्कारों से अपनी सभ्यता से अपने इतिहास से जुड़े रहें निश्चित ही वो इतिहास रचते हैं और हम एक दिन विश्वगुरु बनेंगे। आपको बोले कि जो हेल्थ कार्ड है आयुष्मान योजना यहाँ पे तो लागू नहीं है तो मैं इसीलिए कहा है कि जितनी केंद्र की योजनाएं हैं हर प्रदेश में उन योजनाओं को लागू करना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत देश के हर प्रदेश में हर उस योजना का लाभ मिलना चाहिए जो केंद्र की योजना है क्योंकि हम एक देश में रहते हैं। हमारे देश की कोई भी योजना है तो हर व्यक्ति का अधिकार है हक है उसका कि उस योजना का उन्हें लाभ मिले। आप देखते होंगे कि धारा 370 जब नहीं हटी थी तो जम्मू कश्मीर में भी अनेकों अनेक केंद्र की योजनाओं का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा था लेकिन जब से धारा 370 हटी है आज जम्मू कश्मीर के लोगों को उन सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आई है। मैं स्वयं 370 हटने के पहले भी जम्मू कश्मीर गया था और 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर गया हूँ। ज़मीन आसमान का अंतर है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप लोग भी वहाँ जाकर देखें कि धारा 370 हटने के बाद क्या परिवर्तन आया है। तो मेरा यही आग्रह है आप लोगों के द्वारा कि हर प्रदेश में चाहे कोई भी प्रदेश हो चाहे कोई भी सरकार हो कहीं की भी लेकिन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। जो केंद्र की योजना है उस योजना का अधिकार हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उड़ीसा में यादव का जो युवा है वो थोड़ा नेतृत्व में वीक है कि कौन सा MLA भी नहीं है कौन सा पार्टी भी नहीं है। निश्चित ही हम युवाओं को जगाएंगे और ये कार्यक्रम भी एक उसी कड़ी में कार्यक्रम था। निश्चित ही हमारा युवा ना सिर्फ उड़ीसा का बल्कि पूरे देश का युवा जागा है और मोदी जी में उसने आस्था दिखाई है। मोदी जी के नेतृत्व को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि आज देश हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है
और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है और हर युवा का आप सपना है कि कब हमारा देश विश्वगुरु बने। एमपी हिसाब से बोलेंगे कि उड़ीसा में एक बीजेपी का सरकार नहीं है, सरकार आ नहीं पा रही, क्या कारण है? देखिए पहले हमारी सरकार यहाँ रही है, जब हम संगठन हमारा मिलीजुली सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और निश्चित ही उड़ीसा से हमारे यहाँ कई मंत्री हैं, दिन रात वो मेहनत करें, पूरे देश के लिए मेहनत कर रहे हैं और उड़ीसा के लिए।